अब हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो देख ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन किलोमीटर, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस को। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फ्री रनिंग प्लस डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग रिटार्डेशन। ठीक, तो अब देखो आपको ये डायग्राम हमने बनाया था स्पीड टाइम कर्व ट्रेपेजोइडल शेप में, ठीक है, ये आपका इस ये डायग्राम। अब ये जो कर्व है, ये जो डायग्राम है, उसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। ये आप देख सकते हो, ये आपका क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे भी क्या बन रहा है आपका, ट्राइंगल बन रहा है, और ये आपका क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो अगर मेरे को ये ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया पता चल जाएगा, तो मैं निकाल सकती हूँ कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे क्या है टी वन और हाइट कितना है वी एम, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ टी वन इंटू वी एम। सेम ये वाले ट्रायंगल का देखिएगा, सेम ये वाले ट्रायंगल का यहाँ पे क्या है टी थ्री और वी एम, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ टी थ्री इंटू वी एम। अब हमारे पास क्या है, बीच में रेक्टेंगल है, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है टी टू इंटू हाइट कितना है वी एम, तो क्या हो जाएगा, हाफ वी एम इंटू टी वन फॉर एक्सेलरेशन, वी एम इंटू टी टू फॉर फ्री रनिंग, एंड हाफ वी एम इंटू टी थ्री फॉर रिटार्डेशन पीरियड। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमने लिखा है, ठीक है। अब देखिए जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, किलोमीटर में होता है ना, डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में होता है या मीटर में होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस का यूनिट निकालूँ तो आप देख सकते हो वी एम क्या है, स्पीड है, वी एम क्या है आपका, स्पीड है, जिसका यूनिट किस में रहता है आपका, किलोमीटर पर आवर में, और टी वन क्या है, टाइम है, जिसका यूनिट किस में रहता है, सेकेंड में रहता है। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर इंटू सेकेंड। अब आप ऐसा देखिए, वो किलोमीटर पर आवर सेकेंड में डिस्टेंस का यूनिट हो, नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, इस सेकेंड को आवर में चेंज करेंगे। सेकेंड को आवर में चेंज करने से क्या होगा, आवर आवर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास क्या बचा रहेगा, सिर्फ किलोमीटर बचा रहेगा। तो टाइम जो सेकेंड में दिया है उसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे हम, वन डिवाइडेड बाय 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम के साथ हमने क्या कर दिया है, वन डिवाइडेड बाई 3600 से मल्टीप्लाई किए हैं सारे टर्म में, ठीक है। अब आप जानते हो टी वन इज इक्वल टू क्या होता है, वी एम अपॉन अल्फ़ा, टी थ्री वी एम अपॉन बीटा, और टी टू क्या होता है, टी माइनस टी वन प्लस टी थ्री। यहाँ पे टी वन टी थ्री की वैल्यू रखेंगे और ये सारी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया तो आपको ये लाइन मिला, अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों में अल्फ़ा है, तो दोनों वाले टर्म का हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे, ये दोनों टर्म को एक साथ लिखती हूँ मैं, ठीक है, फिर ये वाला टर्म एक साथ है आपका और ये टर्म, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करें, ये दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, ये दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, ठीक, एलसीएम लेंगे तो बड़ा क्या है, 7200, ठीक है, 7200 बड़ा है तो ये एलसीएम आएगा, सेम है तो यहाँ वी एम स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू टू वी एम स्क्वायर, ठीक, सेम वैसे यहाँ पे करेंगे। अब टू वी एम से एक वी एम क्या है, तो क्या बचेगा आपका, माइनस वी एम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टू क्या है, बड़ा है, तो क्या आएगा, माइनस वी एम स्क्वायर, सेम यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वी एम स्क्वायर अपॉन 7200 बीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमने इसको रीअरेंज कर दिया है, प्लस वाला टर्म हमने एक साथ रख दिया है, माइनस वाला एक साथ रख दिया है। अब क्या कर रहे हैं, ये वाले पूरे टर्म को हम इस साइड ले जा रहे हैं, एस के साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस प्लस वी एम स्क्वायर 7200 अल्फ़ा प्लस वी एम स्क्वायर अपॉन 7200 बीटा माइनस वी एम अपॉन टी अपॉन 3600 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें, वी एम स्क्वायर अपॉन 3600 कॉमन निकालें, तो अंदर क्या बचाएगा आपका, वन अपॉन टू अल्फ़ा प्लस वन अपॉन टू बीटा,
क्यों ऐसा किए हैं? क्योंकि हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। जब आप 2 का मल्टीप्लिकेशन 3600 से करोगे तो इक्वल टू आएगा 7200। अब देखिए, अब ये वाला टर्म आएगा आपका, अब यहाँ पे भी 3600 है, यहाँ पे भी 3600 है, दोनों टर्म का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम आएंगे, ये वाले टर्म में 3600 नहीं है तो यहाँ पे 3600 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो एलसीएम आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास ये टर्म आएगा। अब 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा को हम के से रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, के वी एम स्क्वायर माइनस वी एम टी प्लस 3600 S। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जब आप स्कूल में पढ़े होगे तो इस टाइप का इक्वेशन देखे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, वी एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह वी एम, एक्स की जगह एम वी एम। अब आप रूट निकालने का फॉर्मूला जानते हो, माइनस वी प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पे a क्या है, k, ठीक है, b क्या है, माइनस t, और c क्या है, 3600 s, ठीक है। तो इस पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है। अब क्या करें, 2k को हम इसके साइड अलग लिख दे रहे हैं, t/2k प्लस माइनस। अब ये रूट के अंदर है, सिर्फ इतना टर्म रूट के अंदर है, तो 2k को भी हम क्या करें, रूट के अंदर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर। अब ये जो 4k स्क्वायर है इस t के साथ डिवाइडेड बाय में आएगा और ये वाले टर्म के साथ भी डिवाइडेड बाय में आएगा, तो हम इसको अलग अलग सेपरेट लिख दे रहे हैं। तो क्या होगा, k और k कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, वी एम इज इक्वल टू t/2k प्लस माइनस रूट ओवर टी का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 3600 s/k। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन को कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव साइन को लेंगे तो जो वी एम है, मैक्सिमम स्पीड का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा हाई आता है, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम हमेशा क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो फाइनल जो इक्वेशन आएगा ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व का, वो क्या है, वी एम इज इक्वल टू t/2k माइनस रूट ओवर t/4k² माइनस 3600 s/k। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कंपलसरी है आना, और इसी इक्वेशन के बेस पे न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व है।